लेकिन अक्सर मेरा मन हो गया कि संत जी के सामने जो आज अपना नया रूप प्रस्तुत करूं। मैंने एक कविता लिखी थी और मेरी कविता वो बहुत शुरुआत के समय की है। एक दर्जन पुस्तकें जो छप चुकी हैं, कई सारी भाषाओं में मेरी किताबों का अनुवाद भी हो चुका है, गुजराती में, मराठी में, अभी उर्दू में भी हो चुका है, जो अभी आने वाली है शीघ्र कन्नड़ और नेपाली में भी हो रहा है। तो बहुत सारी, हाँ, तो मैं, आपने कहा तो इसलिए मैंने बता दिया। तो मैंने एक कविता लिखी थी अपराजेय रावण, जो कभी मरता नहीं है और हर बार जिसको दशहरे में हम फूंकते हैं, आने वाला है। रावण तुम मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो। रावण तुम मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो। मैंने सुना है तुम्हारा अट्टहास, फाका का स्तंगहाल इंसानों के पेट में, बलत्कृत अवलाओं की निर्वसन देह में, भूख से तड़फते हुए बच्चों के खाली हाथों में, जी तोड़ मेहनत के बाद भी अपने पसीने को आंसुओं में बदलते देख मजदूर और किसान की आहों में, जुल्मों की इंतहा से न निकल पाने वाली आहों में, मैंने सुना है तुम्हारा अट्टहास, रावण तुम मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो। राम को हमेशा डर लगा है नियमों के अनियोजित अनुपालन से, समाज से, परंपराओं से, मर्यादाओं से, लेकिन तुम्हें कोई भय नहीं। तुम्हारा साम्राज्य लंका की सीमाएं तोड़ चुका है, तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो रावण, तुम अभी मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।